वेलकम टू माय क्लास क्लास एट। आज हम क्लास सिक्स का मैथ का टॉपिक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने डेली लाइफ में फ्रैक्शंस के बारे में सुना होगा। जब आप खाते हो चॉकलेट खाते हो कि आपने कहा कि मैंने अपने दोस्त को आधी चॉकलेट दे दी, मतलब कि वन हाफ पार्ट ऑफ दी फूल का क्या दे दिया अपने फ्रेंड को, तो आपके पास क्या रह गया हाफ पार्ट। तो जो 1/2 है इज ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ फ्रैक्शन इज रिटन बाय अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर का पेयर है से m एंड n। m एंड n जो है वो टू नेचुरल नंबर है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ n बाय n, वेयर m इज कॉल्ड द न्यूमिनेटर कहते हैं हम, एंड n को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दस फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और एन बाय डी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द चिल्ड्रन प्रोजेक्ट। अब आपको एक फिगर दी गई है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके शेडेड पोर्शन का आपने क्या करना है? फ्रैक्शन बनाना है। अब ये देखिए टोटल कितने बॉक्सेस में पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नीचे हम डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा इसका? 6। और न्यूमिनेटर जितने की इसके शेडेड पोर्शन है 3। तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 3/6 शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोर्शन। नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट में देखिए आप फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड शेडेड पोर्शन कितना है? 1। तो जो शेडेड पोर्शन है पूरे का 1/4 है, और इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन है 3/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। पिछले क्वेश्चन में आपने किया था शेडेड पोर्शन दिया हुआ था, उसका आपको फ्रैक्शन लिखना था कि कितना पार्ट। अब क्या करना है, जो फ्रैक्शन दिया गया है उसका शेडेड पार्ट आपने लिखाना है। 1/4 फोर पार्ट कितने हैं? 4। शेडेड कितना करना है? जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा शेडेड पोर्शन में आएगा, तो आपको कलर कौन से पार्ट में करना है? 1। तो 1 ये वाला पार्ट आप अगर इसको शेड कर दोगे तो 1/4 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4 का कलर हो जाएगा। और इसमें हम ये देखिए कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बोल रहे हैं आपको शेडेड कितने करने हैं? 2। तो ये 2 एनी वर्क कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कलर पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इज 4 मंथ। अब आपको बताना है कि एक साल का जो 4 मंथ्स है वो कितने पार्ट फ्रैक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर 12 मंथ। तो टोटल डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा हमारे पास? 12। 4 पार्ट, तो अब क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ 4 मंथ्स टू 1 ईयर। तो 4 मंथ 4/12, क्योंकि 4 महीनों का 12 मंथ के साथ निकाला है, तो क्या होगा? 4/12, और आप इसको कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1/3। तो 4 मंथ जो है 1/3 पार्ट ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। अब आपको 8 आवर्स का बताना है एक दिन के साथ। तो आपको पता है सिंस देयर इज देयर इज 24 आवर्स इन ए डे। तो अब आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? देयर फॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स टू 1 डे, तो या लिख सकते देयर फॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितने आवर्स का? 8 आवर्स का। टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास 24 आवर्स। इसको आप 8 by 24 और लोएस्ट फॉर्म में 1/3। दस 8 आवर्स आदि को 2/3 पार्ट ऑफ अ डे। इस तरह आप अगर
इसी का अगर आपको 6 आवर दिए तो उसके हिसाब से 6 आवर क्या बन जाएंगे, 1/4 आवर ऑफ द डे, कितना भी आप दिया हो टोटल आवर्स के साथ आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्यन, अभिनंदन एंड विवेक, थ्री फ्रेंड्स से शेयर लंच, इन्होंने अपना लंच शेयर किया। आर्यन हैज बॉट टू सैंडविच, आर्यन दो सैंडविच लेके आया, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम, एक वेजिटेबल का बना हुआ था एक जैम का। बट द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, जो दूसरे दो बॉयज थे वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्यन एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच, आर्यन वो हाउस में अपना लंच जो सैंडविच शेयर करने के लिए एग्री हो गया, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, ताकि हर एक फ्रेंड को इक्वल शेयर मिले। अब फर्स्ट कुछ पार्ट है हमारा, हाउ कैन आर्यन डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। अब आर्या अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करेगी, उसका हर एक को इक्वल शेयर मिले, तो आर थ्री पर्सन है तो उसे क्या करना होगा, इक्वल थ्री पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो इस आंसर का क्वेश्चन क्या है, आर्या को सैंडविच को थ्री पार्ट में, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा सैंडविच को, ईच थ्री इक्वल पार्ट, ईच सैंडविच, ईच सैंडविच को उसे थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, सो दैट दे हैव इक्वल शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द सैंडविच विल ईच बॉय सी, अब हर एक बॉय को कितना शेयर मिलेगा, थ्री इक्वल पार्ट में है तो एक पर्सन को 1/3, थ्री पार्ट ऑफ सैंडविच उसको मिला, एक ब्रेड का नहीं दोनों का ही 1/3 पार्ट हर एक बॉय को रिसीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी सर्कल हैव एक्स इन देम, अब ये जो गिवन सर्कल है उसमें कितने सर्कल्स में एक्स है उसका हमें फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सर्कल्स कितने हैं हमारे पास 8 और एक्स, एक्स सर्कल्स कितने हैं जिसमें एक्स है 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा वो हमारे पास 5/8, ठीक है। अब इसमें इसमें इसी तरह से क्या लिखेंगे, टोटल सर्कल हमारे पास कितने हैं 8 एंड एक्स इज इन सर्कल, कितने सर्कल्स में है 3, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 3/8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113 एंड रॉबर्ट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, अब आपको बताना है कि नेचुरल नंबर 102 और 113 के बीच में कितना फ्रैक्शन है जो प्राइम नंबर्स का, तो हम क्या क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 130, लिखिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113, तो कितने हो गए आपके पास आइदर दैट 12 नंबर्स, तो अब जो है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा और इस क्लास में भी, जो किसी के टेबल पर भी डिवाइड नहीं होते, तो क्या है 103 और क्या होगा 107, 109 एंड 130, 103, 107, 109 एंड 130 आइदर दैट 4 नंबर्स, तो अब क्या है फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 4 और टोटल नंबर क्या है 12, तो फ्रैक्शन जो नेचुरल नंबर्स का फ्रैक्शन है 102 to 113 इज 4/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100 आर प्राइम नंबर, अब आपने बताना है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उनका फ्रैक्शन क्या होगा, एज वी नो टोटल नंबर कितने हैं 100, प्राइम नंबर क्या है 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 19, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89 and 70. तो टोटल कितने हैं ये 26. तो फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर कितने हैं 26 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 100 और आप किसको लिख सकते हो 13 अपॉन 50. इट मीन जो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या प्राइम नंबर का फ्रैक्शन है विद 100 तक वो कितना है 26 अपॉन 100. इट मीन 26 प्राइम नंबर हैं 1 टू 100 के बीच में. ये तो क्या आपके एक्सरसाइज 7.1. आई होप आपको अच्छे से